आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल क्या होता है? किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जिस ऑर्डर में स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है उसको फ्लो कंट्रोल कहते हैं या फ्लो ऑफ कंट्रोल कहते हैं। कोई कोई कंट्रोल फ्लो भी इसको कहता है। नॉर्मली क्या होता है, हम लोग कोई भी कोड लिखते हैं जो प्रोग्राम में स्टेटमेंट लिखते हैं वो क्या होता है, सिक्वेंशियली रन करता है, लाइन बाय लाइन रन करता है। जैसे एक के बाद एक 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 पहले को पहला वाला किया, उसके बाद दूसरा वाला किया, उसके बाद तीसरा वाला, मतलब लाइन बाय लाइन, ठीक है। तो उसको हम लोग सिक्वेंशियल ऑर्डर कहते हैं। हाँ, और क्या होता है, कभी कभी हम लोग को लाइन बाय लाइन नहीं रन कराना होता है प्रोग्राम को। हम लोगों का कभी कोई ब्लॉक रन कराना है, कभी कोई ब्लॉक रन कराना है, सारा प्रोग्राम हमेशा रन नहीं कराना है। कुछ कंडीशनल चीज़ ही एक बार में हम लोग को अगर रन कराना है तो हम लोग उस समय फ्लो कंट्रोल का यूज करते हैं। और जो सिक्वेंशियल, इसके पहले जो आप लोगों को हम बताए, जो लाइन बाय लाइन होता है उसको डिफ़ॉल्ट फ्लो कंट्रोल कहते हैं, डिफ़ॉल्ट फ्लो ऑफ कंट्रोल कहते हैं। डिफ़ॉल्ट लाइन बाय लाइन ही किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रन होता है, लेकिन हम लोग को डिफ़ॉल्ट से हटा के कुछ अगर करना हो तो हम लोग फ्लो कंट्रोल का यूज करते हैं। फ्लो कंट्रोल जो होता है वो दो तरह का होता है पाइथन में, एक होता है सिलेक्शन, एक होता है इटरेशन। सिलेक्शन के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। सिलेक्शन जो होता है वो डिसीजन मेकिंग होता है, डिसीजन मेकिंग भी उसको कहते हैं। क्या होता है, कभी कभी हम लोग को लाइफ में डिसीजन लेना होता है। मान लीजिए कि हम लोगों को कोई बोला कि ऐसा, कि हम लोगों को एक स्टूडेंट का रिजल्ट तैयार करने बोला गया कि जिसमें ये सेलेक्ट करना है कि जो फेल हो गया है उसको हम लोग 5 नंबर ग्रेस दे देंगे और जो पास है वो तो पास है ही। तो हम लोग क्या करेंगे उस समय, हम लोग को फिर डिसीजन लेना होगा कि कौन सा, किसको ग्रेस देंगे, किसको नहीं देंगे, कौन पास है कौन फेल है। उस केस में हम लोग डिसीजन मेकिंग या सिलेक्शन का यूज करते हैं। तो हम लोग एक बार इसका डेफिनेशन पढ़ लेंगे। अ डिसीजन मेकिंग वर्क्स व्हेन वी हैव टू सेलेक्ट वन ऑप्शन फ्रॉम टू और मोर ऑप्शन, इट इज़ कॉल्ड सेलेक्शन। इन प्रोग्रामिंग सेलेक्शन और डिसीजन इज इम्प्लीमेंटेड बाय इफ एल्स स्टेटमेंट जो है उसके थ्रू हम लोग डिसीजन मेकिंग और सेलेक्शन इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इफ एल्स जो होता है वो तीन तरह का होता है, इफ एल्स, ठीक, तीन तरह का होता है। और एक कोई कोई इसको इफ एल्स नेस्टेड भी कोई कोई इसमें डालता है। इफ कंडीशन, इफ क्या होता है, इसमें हम लोग पहले, सबसे पहले हम लोग सेलेक्शन के लिए क्या करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे। सोचिए कि हम लोग नंबर लेंगे स्टूडेंट का, नंबर में चेक करेंगे कि क्या इसका 30% से ज़्यादा है या जो भी हम लोगों के यहाँ डिफाइंड होगा कि इस नंबर इतना नंबर लाएगा, ये पास है, मान लीजिए 40 है, तो क्या इसका नंबर 40% से ज़्यादा है। अगर हाँ तो हम लोग उसमें 5 नंबर, अगर हाँ तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, अगर नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे उसमें 5 नंबर जोड़ देंगे, ठीक है। यही काम हम लोगों को करना है। तो इसका उल्टा सोचिए एक बार और, अगर इस किसी का 40 तो जो हम लोग ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, अगर नंबर 30% से या 40% से कम है तो हम लोग इसमें 5 जोड़ेंगे और नहीं तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो इफ़ स्टेटमेंट, वहाँ पे हम इस इफ़ स्टेटमेंट में क्या करेंगे, अगर इफ़ स्टेटमेंट से इसको करना हो तो हम लोग पहले फ्लो चार्ट से इसको समझेंगे, कैसे डिसीजन मेकिंग लेते हैं। यहाँ पे नंबर डालिए, डिसीजन मेकिंग ब्लॉक होता है इसका, यहाँ पे इफ़ ब्लॉक, जहाँ पे इफ़ जो ये इसका सिंटेक्स जो है, पहले सिंटेक्स देख लेते हैं। सिंटेक्स में क्या है, सबसे पहले हम लोग इफ़ लिखे, रुकिए एक मिनट, सबसे पहले हम लोग इफ़ लिखे और इफ़ के बाद उसका कंडीशन लिखेंगे, ये जो एंगल ब्रैकेट के अंदर है उसका कंडीशन लिखेंगे और उसके बाद कॉलन देंगे, और इसके आगे की बात हम लोग बाद में करेंगे, कॉलन देंगे। इफ कंडीशन लिखे, इफ चेक किए, यहाँ पे यही वाला इफ के लिए फ्लो चार्ट बना है, इफ मार्क्स इज लेस देन 30, तो इसके नीचे जो चीज़ है 30 अगर हो गया, अगर ये ट्रू हो गया किसी का, तो हम लोग को क्या करना है उसमें 5 नंबर ग्रेस देना है। तो वो सब बात जो है कोड हम लोग इसके नीचे लिखेंगे, इफ के नीचे का कोड, इफ के नीचे का ब्लॉक हो गया, वो ब्लॉक भी कहते हैं। ब्लॉक क्या होता है, एक साथ एक जैसा स्टेटमेंट जो एक साथ रन कराना है, जिसको जिस स्टेटमेंट को वो हम लोग एक साथ लिखते हैं उसको हम लोग ब्लॉक कहते हैं। तो हम लोग अगर ये इफ सही हुआ तो इफ के अंदर का जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है, 3-4 स्टेटमेंट इफ के अंदर लिखा रहेगा वो रन करेगा। तो यहाँ पे इफ कंडीशन चेक किए, इफ अगर ये सही हुआ तो ये वाला जो इसके नीचे का ब्लॉक है वो रन करेगा, और अगर ये गलत हुआ तो वो रन नहीं करेगा, इसको छोड़ के, इस ब्लॉक को छोड़ के आगे जो चीज़ होगा वो रन करेगा, ठीक है। इस ब्लॉक को छोड़ के आगे का जो कोड होगा वो रन करेगा। अब हम लोग एक बार सिंटैक्स पे फिर से एक बार समझते हैं। इफ़ नंबर इज़
ग्रेट लेस देन 30, तो हम लोग का जो नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस 5 रेस ये लिखेंगे। और अगर ये वाला ट्रू होगा तो इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू मतलब 30 से कम है, अगर ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, इस ब्लॉक को पूरा छोड़ देंगे, ये ब्लॉक रन नहीं कराना है हम लोग को, तब इफ़ के अंदर का जो ब्लॉक है वो नहीं, हम लोग को उसके बाद जो कुछ है उसको रन कराना है। वही बात है कि यहाँ हम लोग कंडीशन लिखेंगे, कंडीशन चेक करेंगे, अगर ये कंडीशन लिखेंगे, कंडीशन अगर सही हुआ तभी इस कोड ब्लॉक के अंदर जाएगा, नहीं तो इसको स्किप करके, अगर गलत हो गया इसको स्किप करके इसके बाद जो कोड ब्लॉक होगा ना उसको वो रन कराएगा। और अब हम लोग एक बार सिंटेक्स को ध्यान से देखेंगे, सिंटेक्स में क्या है, इफ़ कंडीशन लिखेंगे उसके बाद ये कॉलोन देंगे, कॉलोन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, इफ़ का ब्लॉक शुरू हो गया। और यहाँ पे जो भी ब्लॉक के अंदर जो कोड लिखना होगा, इफ़ के अंदर जो कोड लिखना होगा वो लिखेंगे, ठीक। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, एक बात और कि हम लोग इंडेंटेशन के बारे में नहीं पढ़े, इंडेंटेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे पहले, इसके पहले इंडेंटेशन क्या होता है, देखिए इंडेंटेशन रिफर्स टू स्टेट स्पेसेस एट द बिगनिंग ऑफ अ कोड लाइन, कोई कोड जो हम लोग लिखते हैं उसके पहले कितना स्पेस देंगे वो, अभी तक तो हम लोग कोई स्पेस नहीं दिए, अभी तक जितना भी एग्जांपल हम आप लोगों को दिखाए हैं उसमें तो कोई स्पेस नहीं था, लेकिन अब हम लोग स्पेस दे के देखेंगे क्या होता है। पाइथन यूजेस इंडेंटेशन टू इंडिकेट अ ब्लॉक ऑफ कोड, पाइथन में क्या होता है अगर एक स्पेस पे कोई कोड लिखा हो एक स्पेस के साथ, मतलब मान लीजिए कि अभी तक तो हम लोग जितना कोड देखे हैं बिना स्पेस का, यानी वो एक ही टाइप के जगह से स्टार्ट हुआ है, तो उस कोड वो सब जो एक ही ब्लॉक का कोड हुआ, अगर हम लोग कोई कोड एक स्पेस के बाद लिख एक टैब दबा दिए और उसके बाद से स्टार्टिंग की उसका, तो वो दूसरा ब्लॉक में हो जाएगा। दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग ब्लॉक को अलग अलग करने के लिए कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं, लेकिन पाइथन में हम लोग क्या करते हैं, उसके शुरू में कोड स्टार्ट करने से पहले उसके पहले स्पेस देते हैं, जिससे समझ में आ जाता है अगर कोई एक टैब छोड़ के स्पेस पे कोई कोड लिखा हुआ है तो यानी कि वो ब्लॉक अलग है। पूरा पढ़ते हैं इसको, इन फिर से पढ़ते हैं एक बार, इंडेंटेशन रिफर्स टू द स्पेसेस एट द बिगनिंग ऑफ द कोड, पाइथन यूजेस इंडेंटेशन टू इंडिकेट अ ब्लॉक ऑफ कोड, ब्लॉक ऑफ कोड को इंडिकेट करने के लिए अगर एक एक स्पेस देके अलग से थोड़ा लिखेंगे तो वो ब्लॉक अलग हो जाएगा। द नंबर ऑफ स्पेसेस इज अप टू यू एज अ प्रोग्रामर बट इट हैज़ टू बी एटलीस्ट वन स्पेस देना ही होगा, नहीं तो ज़्यादा भी आप दे सकते हैं, आप चार चार स्पेस करके भी सबको, लेकिन सेम स्पेस पर, जितना आपको एक ब्लॉक में रखना है सब स्टेटमेंट पे सेम स्पेस शुरू में देना पड़ेगा। यू हैव टू यूज़ द सेम नंबर ऑफ स्पेस इन द सेम ब्लॉक ऑफ कोड अदरवाइज द पाइथन गिव यू एन एरर, ठीक, बिकॉज द इंटरप्रेटर चेक स्पेस स्ट्रिक्टली, क्योंकि ये कर्ली ब्रेसेस दो कोड ब्लॉक को अलग करने के लिए नहीं लिखता है तो ये बहुत स्ट्रिक्टली चेक करता है स्पेस को। अब देखिए आप यहाँ पे हम प्रोग्राम जो आप लोगों को जो समझा रहे थे उसमें देखते हैं जाके एक बार, देखिए यहाँ कोड ब्लॉक का ब्लॉक कब जरूरत होगा ब्लॉक ऑफ कोड का, देखिए या कोड ब्लॉक का, देखिए इफ स्टेटमेंट लिखे, इफ के कंडीशन लिखे, अब इफ के अंदर जो कोड रन कराना था हम लोग को, जो मार्क्स को हम लोग को 5 ग्रेस करना था वो तो इफ के अंदर का बात है, वो जनरल नहीं है, इसके ऊपर नहीं था, इफ के अंदर का बात है, या इफ स्टेटमेंट के बाद की भी बात नहीं है, इफ के अंदर की बात है, तो वो एक अलग ब्लॉक हो गया। तो जैसे हम तो हम लोग वो क्या होगा, एक स्पेस के बाद इफ के, देखिए स्पेस के बाद लिखा गया है ना इसको, जनरल जो इंटरप्रेटर है पाइथन का वो खुद ही, आप जहाँ पे ये कॉलन दीजिएगा तो वो समझ जाएगा कि इफ का ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है तो वो खुद स्पेस ले लेगा, लेकिन जनरल प्रोग्रामिंग में लिखने के लिए हम लोग को ऐसा जानना जरूरी है बस, हम लोग वैसे पाइथन में इसका एरर कम ही होगा क्योंकि वो खुद ही चेक कर लेता है ये, लेकिन ये जानना जरूरी था इसीलिए। अब हम लोग एक इसका एग्जांपल देखेंगे, इफ कंडीशन सही होगा तो वो कोड ब्लॉक रन होगा का, चलिए देखिए अगर हम लोग को सेलेक्ट करना है कि द कंडीशन इज द एज मस्ट बी ग्रेटर देन 18, मतलब हम लोग को अगर सपोज वी हैव टू सेलेक्ट पीपल एलिजिबल फॉर वोट देने के लिए एलिजिबल पीपल है उसको है या नहीं उसको सेलेक्ट करना है और कंडीशन जो है वो 18 ग्रेटर देन 18 दिया हुआ है, हम लोग को पता है नॉर्मली ये, तो हम लोग को क्या करना होगा, इतना बड़ा कोड हम लोग अभी नहीं देखेंगे, हम लोग डायरेक्ट रन करा के देखेंगे पर इफ ब्लॉक को, देखिए एज को ए से डिनोट किए, ए को लिखे हम लोग, मान लीजिए किसी आदमी का एज 34 है, एज ये दिया हुआ है, इफ़ लिखेंगे, इफ़ के बाद क्या लिखना है कंडीशन, कोई पैरेंथेसिस नहीं देना है कोई एंगल ब्रैकेट नहीं देना है, कंडीशन इफ ए इज ग्रेटर देन 30, ए इज ग्रेटर देन 18, ग्रेटर देन इक्वल टू एक्चुअली होता है
इक्वल टू बाद में देख लेंगे, पहले वो कंडीशन समझ लेते हैं। ब्लॉक स्टार्ट हो गया, प्रिंट एलिजिबल फॉर वोट, ठीक, ये कंडीशन चेक करेगा, अगर सही, सॉरी कुछ प्रेस हो गया मेरे से, सॉरी सॉरी, ए इज इक्वल टू 34 इफ ए इज ग्रेटर देन 18, ब्लॉक स्टार्ट, यह ब्लॉक स्टार्ट, प्रिंट सिर्फ एलिजिबल लिख देते हैं, एलिजिबल, ठीक हो गया। चलिए अब इसको रन करा के देखते हैं एलिजिबल क्योंकि देखिए ये कंडीशन सही हुआ तो कंडीशन के नीचे का जो प्रिंट कर दिया, ये कंडीशन के नीचे का जो स्टेटमेंट है प्रिंट कर दिया, ठीक। अब देखिए ये वाला प्रोग्राम हम लोग देख लिए, कंडीशन चेक किया, यहाँ पे जाके हम लोग अगर फ्लो चार्ट में इसको देखते हैं, यहाँ पे कंडीशन चेक हुआ कि हाँ ये जो एज दिया हुआ था वो ग्रेटर देन 18 था, तो हो गया सही हो गया। और उसके बाद हम लोग क्या किए, तो उसके नीचे का जो कोड है वो रन हो गया, यानी प्रिंट कर दिया। और उसके बाद अगर ये गलत होता तो क्या होता, आप एक और चेक कर लेते हैं हम लोग इसमें, अगर ये गलत होता तो क्या होता। अब हम लोग ए इज इक्वल टू 17 दे देते हैं, इफ ए इज ग्रेटर देन 18 कोड ब्लॉक स्टार्ट, देखिए खुद स्पेस ले लेता है, प्रिंट इंटरप्रेट्स के खुद स्पेस ले लिया, प्रिंट एल जी बल, हेलो इस बार नहीं प्रिंट किया क्योंकि इस बार जो है मेरा जो एज दिया हुआ है 17 इयर्स है, इसलिए ये प्रिंट नहीं किया। तो ये था, मैं नेक्स्ट प्रोग्राम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को इसका एक और प्रोग्राम बताऊंगी जो कि इससे जो कि आप लोगों को पाइथन शेल पे नहीं स्क्रिप्ट पे बताऊंगी। तो ये वाला जो मेरा क्लास था ये यहीं तक का था, कल फिर मिलते हैं।